12वीं का परीक्षा परिणाम कैसे निकलेगा इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को। उसकी प्रक्रिया हम बना रहे हैं, विचार विमर्श के बाद, विशेषज्ञों की राय के बाद हम उसका क्राइटेरिया तय कर रहे हैं, और जैसे ही वो तय होगा हम पब्लिक डोमेन में डालेंगे और अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड करेंगे और लोगों को सूचित भी करेंगे। तो थोड़ा समय लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। क्राइटेरिया कब तक आएगा? क्योंकि बार बार जैसे खबरें आ रही हैं कि CBSE के पास दो ऑप्शन है, दो तरीके का होगा, ये तरीका ये वन होगा, दूसरा तरीका बी होगा। ये जो स्पेकुलेशन चल रहा है, इस स्पेकुलेशन पे कब तक विराम लग जाएगा? कितने दिन का अंतराल बच्चे उम्मीद करें CBSE? देखिए, मैं पहले तो ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि अब कोई दूसरा तरीका नहीं रह गया है, निर्णय आ चुका है और हमें उसका स्वागत करना चाहिए। और निर्णय ये हो गया है कि सिर्फ एक ही तरीका है अब, कि परीक्षाएं निरस्त हो गई हैं और कोई परीक्षा अब नहीं होगी। अब परीक्षा नहीं होगी तो अब विवाद का विषय ये है कि हम कितनी जल्दी से जल्दी लोगों को ये बता दें कि हम परिणाम निकालेंगे कैसे। तो मैं यही कहूँगा लोगों से कि इस समय लोग एंजाइटी से बचें, र्यूमर से बचें, किसी तरह के तनाव से बचें और इंतज़ार करें। हम उम्मीद करते हैं कि लगभग 2 हफ्ते के अंदर हम क्राइटेरिया तय कर लेंगे कि 12वीं की परीक्षा का परिणाम किन किन पैमानों पर निकल करके सामने आएगा। लगभग 2 हफ्ते का समय लगेगा क्योंकि ये बहुत लंबा विचार विमर्श करना पड़ेगा, और इसमें लगभग 14 लाख बच्चे हैं जिनका रिजल्ट, जिनके तमाम सारे प्रश्न पत्रों का या जिनके जो उनके विषय हैं उनका डाटा हमें लेना पड़ेगा, उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो मैं यही कहूँगा कि अब कोई दो विकल्प नहीं है, परीक्षा नहीं होगी, ये एक ही विकल्प है, बस हमें परिणाम निकालना है।